Okay, good afternoon, everyone. So today we will see three things in our MCS workbench. First, how to add stirrup. Stirrup आपको पता है shear reinforcement रहता है, जिसमें जो bars रहते हैं अपने main bars रहते हैं, उसको tie up करने के लिए stirrup रहता है. उसके बाद loading के types देखेंगे कि कौन सी loading के types रहती है, और उसके बाद meshing के type देखेंगे. ये तीन चीजें हम आज देखने वाले हैं. Okay. जैसे हमें पता है कि ANSYS में हम बीम कॉलम जॉइंट पोर्टल फ्रेम विद रेनफोर्समेंट हम इसमें मॉडल कर सकते हैं. और इसमें मेनली क्या है कि आप जो भी बार्स प्रोवाइड करते हो उसको आप रेनफोर्समेंट दे सकते हो. ये इसका यूनिक फीचर है. इसको ओपन होने को टाइम लगेगा. तो सपोज हाँ ओपन हो गया. तो सपोज ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने कल भी देखा था कि 150 बाय 150 600 का बीम है. ओके, उसमें 10 mm के चार बार्स है और उसको स्टिरअप देना है. ओके, सो 6 mm या 8 mm ये दो स्टिरअप की साइज रहती है. उसका स्पेसिंग जो रहता है वो 100 to 300 मैक्सिमम. IS code में दिया है 100 mm, 150 mm, 300 mm, ये ऐसे उसके spacing करते हैं. ओके, तो पिछली बार हमने ये देखा था कि ये बीम कैसे क्रिएट होता है, उसमें ये बार्स कैसे आते हैं. चार बार्स दिए हैं 10 mm 10 mm 10 mm. ओके, अभी यहाँ आपको पता होगा कि ये आउटर एज है. यहां से 20 mm का कवर रहेगा इसको, यहां से 20 mm का कवर रहेगा, और बाकी यहाँ 150 mm का इसका स्पेसिंग रहेगा. ओके, तो इस केस में हमें क्या करना है, क्लिक ऑन दिस. दिस ऑप्शन इज न्यू प्लेन. ओके, क्लिक ऑन न्यू प्लेन. अभी हमें स्टिरअप्स कहां देते हैं, ऑन दिस फेस. ओके, सो सिलेक्ट फ्रॉम फेस बेस फेस. Click on apply, click on generate. Okay,
आफ्टर दैट क्लिक ऑन स्केचिंग। अभी जो सिरप रहता है वो कैसा रहता है एक बार आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा विजुअलाइजेशन में आपको फायदा होगा उसका। अभी आप जैसे देख रहे हो कि ये सिंगल लेग है, डबल लेग है, ऐसे सारे स्किनप्स है। लेकिन एंसिस में जो रहता है ये जो हुक वगैरह जो दिया है इसमें, तो ये हुक दिखाने की कोई जरूरत नहीं रहती। ओके, तो मेन व्हाई वी प्रोवाइड स्टीरअप, ओके वी प्रोवाइड स्टीरअप्स टू होल्ड द रेनफोर्समेंट बार। ओके, तो पिछले बार भी मैंने बताया था कि कॉन्टैक्ट्स देने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ स्लाइस मटेरियल ऑप्शन दिया है, तो एक्चुअली मॉडलिंग के लिए शेयर स्टीरअप मॉडल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं नहीं स्टीरअप भी दिखना चाहिए, तो हम इसके लिए स्टीरअप मॉडल करते हैं। और वो स्टीरअप कैसे मॉडल करते हैं कि जो ये हुक रहता है, तो ये हुक इसमें मॉडल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो विथ हुक भी आपको दिखाता हूँ विथ हुक वो कैसे दिखाएगा। ओके, लेकिन एक्चुअली हुक की उसमें जरूरत नहीं रहती है। सो आई विल गो ऑन द रेक्टेंगल ऑप्शन, सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल ऑप्शन, एक स्क्वायर बना लिया। ओके, इसको जूम किया, देन देयर इज ऑप्शन इन मॉडिफाई कॉल्ड इज ड्रैग। ओके, सो क्लिक ऑन ड्रैग। ठीक है, और उसके बाद सपोज मुझे यहाँ हुक भी देना है, तो अगेन क्लिक ऑन ड्रॉ। ये जो सिंबल आ रहा है डबल डैश, इसका मतलब है पैरेलल है। ओके, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो उसके बाद इसको मॉडिफाई करो, ड्रैग करो। ऐसे ड्रैग होगा, ये आपका हुक हो गया। ये हुक को आप लेंथ भी देख सकते हैं, जो भी उसका साइज होगा वो। ठीक है, फिर अभी जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि ये जो है आपका जो डिस्टेंस या हुक जो सॉरी ये जो एलिमेंट है ये 2D एलिमेंट रहेगा आपका, जो भी आप स्टीरअप वगैरह देते हो उसमें बीम एलिमेंट रहेगा। ओके, ये जो जितने भी हुए हैं ये सब सॉलिड एलिमेंट हो गए। बीम एलिमेंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्लेन 10 ये सेक्शन है यहाँ, इस पर क्लिक करो। कंसेप्ट, कंसेप्ट में एक ऑप्शन है सरफेस सॉरी लाइन फ्रॉम स्केचेस। ओके, अगर आपको बीम एलिमेंट और लिंक एलिमेंट चाहिए तो आप लाइन फ्रॉम स्केचेस ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो लाइन फ्रॉम स्केचेस ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया, बेस ऑब्जेक्ट इस पे अप्लाई किया, क्लिक
ऑपरेशंस, ऑपरेशन में ऐड फ्रोजन, यहाँ क्लिक किया हमने जनरेट। ओके तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक लाइन बॉडीज तैयार हो गई है, ठीक है। अभी इसमें ये स्टीरअप जो है इसका लेंथ कितना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सॉरी इसका डायमीटर कितना है, तो 6 या 8 mm ये इसका डायमीटर रहेगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रॉस सेक्शन नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन आपका जो है वो सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर दिया, सर्कुलर। ओके तो क्रॉस सेक्शन कैसे देना है, कंसेप्ट में जाओ, क्रॉस सेक्शन जो भी आपका क्रॉस सेक्शन होगा, कि अभी इस केस में सपोज सर्कुलर है, कभी कभी एक मैंने प्रोजेक्ट किया था इसमें कॉलम विथ हॉलो ट्यूब था अंदर, मतलब कॉलम के अंदर हॉलो ट्यूब था, तो वो केस में सर्कुलर ट्यूब आ जाएगा। ओके ऐसे बहुत सारे टाइप के क्रॉस सेक्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया, ये देखो ये सर्कल आ गया इसमें। यहाँ ये जो रेडियस है ये आपको देनी है 6 mm, अगर देखा तो रेडियस रहेगा 3 mm, तो ये 3 mm दे दिया मैंने। ओके तो ये जो लाइन बॉडी है इसको मैंने असाइन कर दिया, सर्कुलर बनने लगा, ठीक है। अभी ये हो गया एक स्टीरअप। अभी इसमें फीचर कैसा है, हर सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट जैसा एक कमांड रहता है। ओके जैसे एक मॉडल बनने के बाद उसके रिप्लिकेट अगर करने हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें इस ऑप्शन को कहते हैं कॉपी पेस्ट के जो ऑप्शन है उसको कहते हैं पैटर्न। ओके तो लाइन बॉडी सिलेक्ट करना है, क्रिएट पैटर्न, ज्योमेट्री सिलेक्ट कर लिया मैंने, ज्योमेट्री पे क्लिक किया, उसके बाद इस पे क्लिक किया अप्लाई। उसके बाद डायरेक्शन सिलेक्ट करना है कि मुझे डायरेक्शन मतलब कैसा, ये वेक्टर्स आपको सर सबको रेफर करना है। ओके एक्स वाई जेड, तो ये जो एरो रहेगा ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये निगेटिव डायरेक्शन यहाँ दिख रहा है आपको माइनस जेड। ओके दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज निगेटिव डायरेक्शन। तो फॉर क्लिकिंग ऑन डायरेक्शन सिलेक्ट दिस डायरेक्शन लाइक दिस और लाइक दिस, अप्लाई। पैटर्न लीनियर, ओके सपोज मैंने दे दिया स्पेसिंग 150 के मैंने 4 पार्ट्स, आप देख सकते हो। अभी कैसा है कि ये लाइन बॉडी होने की वजह से ये इतना क्लियर नहीं दिखता, तो इसमें एक ऑप्शन है टूल्स, सॉरी व्यू, व्यू में जाके ग्राफिक्स ऑप्शन है, एज कलरिंग वगैरह ये कलरिंग कर सकते हो, या फिर क्रॉस सेक्शन सॉलिड्स। क्रॉस सेक्शन सॉलिड पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो कि एक्चुअल में जैसे स्टीरअप्स रहते हैं ऐसे स्टीरअप्स आपको दिख रहे हैं। तो इसने क्या किया है सर, कि जो डायमीटर है उसको सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए ऐसे दिखा रहा है, एक्चुअल में वो लाइन बॉडी ही है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट स्टीरअप है, ओके ये जो फर्स्ट स्टीरअप है इट इज ऑन द फेस, अगर मुझे इसको अंदर सरकाना है 30 mm या 20 mm जो भी कवर है अगर वो मुझे करना है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, एडिट सिलेक्शन, बेस फेस अप्लाई। अभी ये जो बेस फेस रहेगा सर, ये बेस फेस 20 mm का कवर रहेगा, तो मैं 20 mm इसको इस साइड में सरकाऊंगा, 20 mm ऑन दिस साइड। ओके सो यार ट्रांसफॉर्म RMB, मतलब एक्सिस आप इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ये ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म में। यहाँ भी आपको लाइन दिख रही होगी, अगर आप थोड़ा ठीक से देखिए, इसमें ये एक रेखा मतलब है एक्स डायरेक्शन और ग्रीन का मतलब है वाई डायरेक्शन।
ओके आई विल रिपीट हियर ब्लू इज जेड डायरेक्शन रेड इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन सो अकॉर्डिंग टू दैट क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म जेड माइनस 30 उससे क्या हो जाएगा एक्सिस विल शिफ्ट लाइक दिस अभी आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर कर्व इज बन गया तो अभी ये बीम हो गया तो सेम मॉडलिंग का प्रोसीजर कॉलम के लिए रहेगा मतलब ये जो अगर ये बीम मैंने ऐसे वर्टिकल कर दिया ओके तो इट विल बी कॉलम मिनिमाइज नेक्स्ट अभी दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन हाउ टू मॉडल अ स्टीरियो मतलब इसमें हमने क्या किया कि एक सीरम लिया चारों रेनफोर्समेंट को टाइप करने के लिए उसको क्रॉस सेक्शन दिया प्रॉपर क्रॉस सेक्शन देने के बाद उसको पैटर्न किया मतलब उसका कॉपी पेस्ट सेम रिप्लिकेट यहाँ हमने टोटल 5 मॉडल्स बने ओके जो स्पेसिंग एज पर जो डायमेंशन रहेगा एज पर डिजाइन जो भी स्पेसिंग रहेगा वो स्पेसिंग आप यहाँ दे सकते हो ओके उसके बाद वो जो क्रॉस सेक्शन है ये लाइन बॉडी में मैंने अप्लाई किया हाँ अभी और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे दो वर्जन है एनसीस 16 एनसीस 20 ये दोनों भी हम कवर करेंगे तो एनसीस 20 जो है वो स्पेस मॉडलर के उसमें एक एडिशनल फीचर भी आया है बाकी सारे ऑप्शन इसमें सेम है मतलब अभी कल या परसों से हम एनसीस 20 स्टार्ट करेंगे जो लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें और इसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा ओके तो एनसीस 20 में एक मॉडलिंग का स्पेस मॉडलर के एक अलग से वर्जन है और बाकी सारे ऑप्शन क्लेम सर हाँ स्पेस क्लेम सॉरी स्पेस क्लेम के एक अलग ऑप्शन है बाकी सारे जो ऑप्शन है सेम ही है मतलब 90% एनसीस 14 से लेके एनसीस 20 जो लेटेस्ट है उसमें कैसा रहता है कि इनको प्रोडक्ट अपडेट करके मतलब जो भी है बेचने के लिए थोड़ा अपडेट करना पड़ता है जैसे FN 1, 2, 3, 4 तो वैसे इन्होंने थोड़े एलिमेंट्स ऐड करते हैं थोड़े थोड़ा मतलब 1% 2% हर साल वर्जन उसमें ऐड करते हैं ओके हाँ दैट इज राइट वो स्पेस क्लेम है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो है दिस इज द फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इज मेशिंग सर विद स्ट्रप्स एंड विदाउट स्ट्रप्स रिजल्ट में कुछ चेंजेस आते हैं क्या सर हेलो सर इफ मैं स्ट्रप्स नहीं लगाऊं उसमें तो रिजल्ट में चेंजेस आएंगे कुछ नहीं नहीं कुछ भी चेंज नहीं आते सेम रहेगा या मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि कैसा रहता है कि स्ट्रप हम क्यों प्रोवाइड करते हैं बॉन्डिंग के लिए जो रेनफोर्समेंट बार्स है उसको हम बॉन्ड करने के लिए स्ट्रप प्रोवाइड करते हैं वो बॉन्ड हमने एनसीस के कमांड से ऑलरेडी दे दिया है ओके और सर वो जो कनेक्शन रहेगा तीनों के बीच में और वो कैसे इसमें जनरेट करना पड़ेगा या वो ऑटो जनरेट हो जाता है वो ऑटो जनरेट होता है वो बताता हूं ना आपको कैसे ओके अभी यहाँ ज्योमेट्री में क्वेश्चन मार्क आया तो ये क्वेश्चन मार्क क्यों आया क्योंकि इसमें हमने नए पार्ट्स ऐड किए ये देखिए लाइन बॉडीज जो है ये यहाँ नए पार्ट्स आ गए हैं ओके तो इसको हमें प्रॉपर्टीज असाइन करनी पड़ेगी ओके तो यहाँ मैंने ऑलरेडी जो ईटाइप्स के प्रॉपर्टीज रहते हैं मटेरियल्स के वो सेम हमने इसमें डाल के रखे हैं जैसे M25 ग्रेड कॉन्क्रीट तो Fe35 मतलब स्टीरअप के लिए हम माइल्ड स्टील यूज करते हैं जनरली क्यों क्योंकि वो बेंड करने के लिए मोल्ड करने के लिए इजी रहता है ओके जो अपना बार रहता है आपने सुना होगा कि TMT 500 है ना तो HYSD 500 हम बार यूज करते हैं इसलिए स्टील के ये दो ग्रेड अलग अलग से मैंने तैयार करके रखे थे उसके बाद M25 जो है M25 ये कॉन्क्रीट का ग्रेड है ओके
सो इसमें इनपुट्स मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, डेंसिटी आप आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की ले सकते हो, ई जो है ई इज 5000 अंडर रूट एफसी के, आप ये पूरा एज पर आईएस कोड कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आता है, तो ये 25000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही आ रहा है, ओके वही मैंने इनपुट किया है, ओके। उसके बाद यूनिएक्सियल कंप्रेशन डेटा, यहाँ आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेस टेस्ट का और मैंने टेस्ट किया है, ओके। तो ये एक्चुअल एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, उसके रिजल्ट हमने इसमें लगाए, ओके। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने बताया यहाँ अभी क्वेश्चन मार्क आया, मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या रहता है एनसीएस में, कि कोई तो भी डेटा मिसिंग है, कोई तो भी प्रॉपर्टी है जो आप देना भूल गए हो, और उसको वो येलो मार्क में निकाले कि असाइनमेंट आपने नहीं दिया, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, I will press shift, press first element and then last element, okay? Click on assignment and click on FE3145, okay? So, अभी green tick का मतलब क्या हो गया यहाँ? This green tick indicates the all the data is given. It's not that ki all the data is correct, all the data is given. Then जैसे आपका सर सवाल था कि कनेक्शंस, तो कनेक्शंस में आपको दिखा देता हूं कि ये अभी एक बार है, ओके। ये जो ब्लू बार जो दिख रहा है ये इसका कॉन्टैक्ट टारगेट रीजन है, और यहाँ आप रेड देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ इसको, ये जो विंडो है कॉन्टैक्ट बॉडी, ये विंडो पे फोकस कीजिए आप सर। तो ये कंक्रीट का आउटर लेयर है, रेड रेड जो हुआ है, और ये स्टील का टॉप है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके नोड्स और कंक्रीट के नोड्स ये कनेक्ट हो गए, और दोनों भी कनेक्शन जो है ये सक्सेसफुल रहा। तो इस चीज में क्या होता है कि स्टीरअप इधर उधर, स्टीरअप का कोई रोल नहीं रहता, ओके। लेकिन ड्यू टू दैट सिस्टम रिक्वायरमेंट की, जैसे गाइड या ये बोलते हैं कि नहीं नहीं स्टीरअप तो देना ही चाहिए, तो इसलिए हम देते हैं। अदरवाइज विद स्टीरअप और विदाउट स्टीरअप आपके रिजल्ट सेम ही आते हैं, ओके। और जो बॉन्डिंग जो रहता है स्टील और कंक्रीट का, ये परफेक्ट रहता है, ओके। तो ये ऐसे सारे कॉन्टेक्ट्स अपने आप जनरेट हो गए। अभी नेक्स्ट मेशन, फाइव स्टीरअप्स क्रिएट्स न्यू फाइव कॉन्टेक्ट रीजंस। सॉरी मैम, हाँ मैं ते फाइव स्टीरअप्स फाइव कॉन्टैक्ट रीजन्स क्रिएट करतात का असं म्हणते? हाँ नहीं, याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक बारचा त्या हर बार का उस कॉन्क्रीट के साथ कनेक्शन हो गया है। दिस इज कॉन्टैक्ट 1, कॉन्टैक्ट 2, कॉन्टैक्ट 3, कॉन्टैक्ट 4, कॉन्टैक्ट 5, ओके। सो अभी ये ठीक है, अपना टॉपिक चल रही है तो मैं कॉन्टैक्ट्स का भी बता देता हूँ कि आप मैनुअल कॉन्टैक्ट भी दे सकते हो, कि ऐसा हो गया कि सपोज एनसी से जनरेट नहीं किया कॉन्टैक्ट, अभी आपको स्टीरअप और ये जो बार्स है, ये बार्स का और स्टीरअप का आपको कनेक्शन देना है, तो आप कैसे करोगे, कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, राइट क्लिक, इंसर्ट, यहाँ दो ऑप्शंस है, मैनुअल कॉन्टेक्ट रीजन और स्पॉट लेवल। तो मैनुअल कॉन्टेक्ट रीजन कब देना है, कि जब कोई भी सॉलिड बॉडी से कनेक्ट हो रही है, या फिर सॉलिड बॉडी लाइन बॉडी से कनेक्ट हो रही है, तब आपको मैनुअल कॉन्टेक्ट रीजन देना है। स्पॉट लेवल कब देना है, कि लाइन बॉडी टू लाइन बॉडी अगर कनेक्ट हो रही है, मतलब ये दो लाइन बॉडीज है, ओके, ये लाइन बॉडी टू लाइन बॉडी अगर कनेक्ट हो रही है, देन यू विल गो फॉर स्पॉट वेल्ड। मतलब उसमें कैसा कि वेल्डिंग जैसा इफेक्ट आप दिखा सकते हो, और अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर इंसर्ट मैनुअल कॉन्टेक्ट रीजन, ओके। तो एक कॉन्टेक्ट रीजन में आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, सपोज मैंने हाइड कर दिया, तो सारे स्टीरअप और
सारे बार्स, इसका मुझे कनेक्शन देना है, तो मैं टारगेट पहले सिलेक्ट करूंगा कि दिस बॉडी मतलब फाइनल बॉडी मतलब स्टीरअप मुझे इसको कनेक्टेड चाहिए, बार्स को कनेक्टेड चाहिए, तो मैं पहले टारगेट के लिए बार्स सिलेक्ट करूंगा, ऑल बार्स आई विल सिलेक्ट। तो यहाँ दिखा दिया उसने कि टारगेट के लिए चार बॉडीज है, ये टारगेट बॉडी हो गया। उसके बाद कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के लिए यू हैव टू सिलेक्ट ऑल लाइन बॉडीज, कंट्रोल ए प्रेस किया मैंने तो सारी लाइन बॉडीज सिलेक्ट हो गए, अप्लाई। तो मतलब ग्रीन ब्लू का मतलब है टारगेट, रेड का मतलब है कॉन्टेक्ट, ठीक है। अभी इसका मैं जैसे भी बोलता हूँ ना, मुझे ऐसे रिक्वायरमेंट आता है कि अभी इसका ग्राफिक्स वगैरह बहुत सही दिखता है ना, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, दिस इज प्योरली मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो इक्वेशंस रहेंगे ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के इक्वेशंस रहेंगे, ओके। ये जो इक्वेशंस है इसका मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कनेक्शन कैसे रहेगा। एक मैंने खुद ऐसे मतलब रिपोर्ट्स वगैरह इसके लिए एक इसकी मेथडोलॉजी बना के रखी है। मतलब हम एनालिसिस में कांटेक्ट और टारगेट देते हैं, तो मतलब फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में एग्जैक्टली क्या होता है ये हम देखेंगे, ओके। न्यूमेरिकल मॉडलिंग, मटेरियल मॉडलिंग, अभी एक इसे कहते हैं हम क्वांटा 174 और टारगेट 170। ये मैंने जैसे कहा कि एलिमेंट मॉडिफाई हो के उसका ये होता है मतलब उसके नंबरिंग्स आते हैं, पिछले सेशंस में आपने बताया था। तो इसमें ये कॉन्टेक्ट एलिमेंट है और ये टारगेट एसोसिएटेड टारगेट सरफेस है, मतलब ये नोड और ये नोड ये इसमें शेयर हो जाएंगे। मतलब यहाँ आपको दिख रहा है कि आई एम जे एन के ओ एल और पी, ये जो नोड्स रहेंगे ये कॉन्टेक्ट के एलिमेंट और इसके जो सॉरी इसके नोड्स और इसके नोड्स ये कॉमन रहेंगे, और उसमें जो रहेगा कि एक एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्म होगा, सॉरी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्म होगा। इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हो, आई विल जूम इन, अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ एक येलो येलो मार्किंग दिया है और रेड रेड दिया है, तो ये रेड जो है इसके और इसके शाफ्ट एंड कैम्स, ये मैकेनिकल अरेंजमेंट है इसका, ये कनेक्शन यहाँ दिखा रहा है कि ये कैसे हुआ। तो दिस इज एग्जैक्टली टोटल मैथमेटिकल मॉडलिंग, ओके। तो इसमें ऐसे एक्चुअल में नहीं होता, इसलिए मैंने कहा कि देर इज नो नीड ऑफ स्टीरअप्स इन द एनालिसिस मॉडलिंग। हेलो, आवाज ब्रेक होता। ओके ओके, आवाज ब्रेक हो रहा है आता है ठीक है, ये समझ गया सबको। सर एक इसमें कॉन्टेक्ट में जो अपन ने स्टिरअप्स और इसमें किया है तो ये कॉन्क्रीट में नहीं होगा, ये मतलब तीन चीज को हम कॉन्टेक्ट। हाँ होगा ना सर, मतलब कैसा बोल रहे हो आप, मतलब कंक्रीट का भी कांटेक्ट हो उसमें स्टिरअप्स में, हाँ, और बार्स का भी हो। हाँ होगा ना, ये देखिए ये तो ऑलरेडी हो गया है, ऑटो जनरेटेड है ऐसे, ओके, इसलिए मैंने नहीं दिखाया विद स्टिरअप्स। हाँ तो अभी इंसर्ट आप जैसे बोल रहे हैं वैसे करते हैं,
लेकिन इतना याद रखिए कि एट अ टाइम दो ही दे सकते हैं, मतलब कॉन्क्रीट विद बार्स विद स्टीरअप ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, अलग अलग नहीं है मतलब। एग्जैक्टली तो अलग एक एक के साथ दूसरा ही होगा, तीसरा नहीं होगा उसके साथ, फिर अलग से हमको स्टीरअप से कॉन्क्रीट को वो कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी मैनुअल कॉन्टेक्ट रीजन एक लेता हूँ मैं आपको, अभी आप जैसे बोल रहे हैं कॉन्क्रीट सिलेक्ट किया, अभी ये कॉन्क्रीट सिलेक्ट हो गया, ओके अभी इस बॉडी को मैंने हाइट कर दिया, हाइट बॉडी, स्टीरअप, ये लाइन बॉडी सिलेक्ट किया, अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो सारे एजेस सिलेक्ट हो जाएंगे, एजेस मतलब जो लाइंस है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, एजेस मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी ये क्या हो गया कि कंक्रीट, अभी यहाँ टारगेट बॉडी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने बॉडी हाइड करके रखा है, राइट क्लिक शो ऑल बॉडीज, ये कंक्रीट और ये स्टीरअप, इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने दे दिया, लेकिन कॉन्क्रीट और बार्स का अलग रहेगा, कॉन्क्रीट और स्टीरअप ऐसे अलग अलग ही देना पड़ेगा। ओके और जैसे मैं कहता हूँ कुछ सेशन में मैं सेशन लूंगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, जितने भी सेशन होंगे सूरज सर आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहना, एक्चुअल प्रैक्टिस करने से ही आपका स्किल अपग्रेड होगा, मतलब सिर्फ सेशन अटेंड करने से नहीं होगा। अभी थर्ड पार्ट जो है दैट इज मेशिंग, मेशिंग में मैंने जैसे बताया कि ये रहता है आपका क्या कहते हैं उसको, क्वाड्रिलैटरल मेशिंग रहेगा, 1D एलिमेंट 2D एलिमेंट 3D एलिमेंट के हिसाब से वो एलिमेंट जनरेट करेगा, इसमें हम साइज दे सकते हैं और फाइन मेश भी कर सकते हैं, तो एक एक मैं बताता हूँ कैसे होगा। अभी ये मैंने डिलीट कर दिया जनरेट मेश, अभी मुझे सपोज एक कोई भी पार्ट है उसको बहुत ज्यादा फाइन करना है, इसको मैंने हाइट सपोज ये है, ये मैंने हाइट कर दिया तो ये जो अंदर का फेस है सपोज, ये जो ऑप्शन है ना, जब कोई अभी स्लैब विथ होल कॉलम विथ वॉइड ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स देंगे उसके लिए यूज होता है, अभी सपोज ये है, मुझे ये पार्ट थोड़ा फाइन चाहिए मेशिंग में, तो मैंने क्या करूंगा मेश इंसर्ट रिफाइनमेंट के ऑप्शन है, रिफाइनमेंट में मैं क्लिक करूंगा, ये जो फेस है ये फाइन हो जाएगा, फिर देन मेश जनरेट, भी आप क्लियरली देख सकते हो ये अंदर का जो मेशिंग किया है ये कितना फाइन हो गया, दिस इज फाइन, मतलब यहाँ नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा रहेंगे, तो ये ऑप्शन कब क्रिएट करना है आपको, ये देखो इसके साइड की मेशिंग भी फाइन हो गई, कि मतलब एक पर्टिकुलर जो पार्ट है जिसका हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो पर्टिकुलर उठना पार्ट भी आप मेश कर सकते हो। ओके तो ये जो पार्ट दिख रहा है वो बार्स का वो जा रहा है उसमें, इसलिए वो ऐसा पार्ट दिख रहा है। चलेगा, अभी मीटिंग एंड हो रही है, मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, एक एक दो मिनट के बाद सब ज्वाइन कर लेना फिर। ओके।